हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं फिर से किचन में हूँ और भाई मेरा कल जा चुका है। तो कल जाने के बाद उसके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन एक चीज़ का संतुष्टि थी कि वो काफ़ी दिन रहा। कितना दिन रहता, अभी तो जॉब ज्वाइन नहीं किया इसलिए इतना दिन रहा भी। जॉब ज्वाइन करने के बाद उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो मेरे पास इतना दिन रह सके। तो दिल में एक सेटिस्फैक्शन भी था कि चलो मेरे पास कुछ दिन रहा और वो चला गया है। और उसको ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से, मतलब जो खाना वगैरह होता है ना, बांध करके मैंने ट्रेन के लिए दे दिया था। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे क्लास कर रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मैं किचन के सारे काम निपटा रही हूँ। अभी हॉस्टल पर नहीं आई है, अभी 10 o'clock हो रहे हैं। 9 o'clock हस्बैंड जा चुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। मैंने बैंगन का भुजिया, टमाटर की मीठी चटनी दाल चावल के साथ मैं लंच में प्रिपेयर करने वाली हूँ, वो मैंने कर लिया है। दाल बन रही है, चावल बनेगी, ताज़ी बनाऊंगी मैं, 2 बजे बनाऊंगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी रात के लिए बना करके मैं रख दे रही हूँ, आटा गूंद करके रख दूंगी। चूँकि अब मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग टाइम में ही, मेरी जो हाउस हेल्पर है वो एक टाइम आती है, तो अच्छा ही होगा मेरे लिए भी कि सुबह सुबह मैं सारे काम मतलब निपटा करके रख दूंगी। 2-3 सब्ज़ी वगैरह बना करके एक साथ रख दूंगी। और ठंडी के दिनों में तो आप गर्म करके आराम से माइक्रोवेव के थ्रू खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही करने वाली हूँ और अपने लिए थोड़ा टाइम निकलेगा, बच्चों को लेकर के भी पढ़ाने बैठूंगी मैं। क्योंकि अभी हम लोग अमृतसर शिफ्ट हो गए और इन लोग की जो क्लासेस है वो गुड़गांव में ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये जा नहीं सकते क्योंकि अब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो अप्रैल तक फिर से घर में ही रह करके ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इन लोगों को एग्जामिनेशन वगैरह की। तो इसकी वजह से मैं जो हूँ अब इन लोग को थोड़ा देर लेकर के नहीं बैठूंगी, तो फिर ठीक नहीं होगा। क्योंकि सारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे, ये ऑनवर्ड्स अप्रैल से ही जाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, इसी तरीके से थोड़े दिन और कटना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और उधर कुकर में मैंने दाल चढ़ाई हुई है और मीठी चटनी। और ये यहाँ पे मैंने बैगन बना करके रखी हुई है, कल की पूड़ी रखी है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रही हूँ मैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, मैं ये ट्रे लेकर के आई हूँ गमला रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि नीचे से ना ख़राब हो जाता है और सुंदर लगेगा इसके साथ रखूँगी। ये एक का दाम 49 है, लेकिन मेट्रो में मैंने होलसेल में लिया है तो पता नहीं कितना पड़ा है, मुझे नहीं पता। जो भी है 2-3 रुपये कम ही पड़ा होगा। तो मैं ये 10 लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं बड़े बड़े गमले के नीचे मैं रखने वाली हूँ। और एक और बात बताऊँ कि देखिए ये जो है ना पूरा ख़राब हो गया था। मैं गुड़गांव से ही सोचती आ रही कि इसको पेंट करूँगी, तो पेंट मैं लेकर के आ चुकी हूँ। अब देखिए कब मैं स्टार्ट करती हूँ, चूँकि 1 by 1 मुझे इसको सबको पेंट करना है। तो आज से स्टार्ट करूँगी या कल से, बट करना तो है क्योंकि गंदा लग रहा है देखने में। एक तो पौधे ख़राब हो चुके हैं और दूसरी कि जब गमले सुंदर नहीं दिख रहे ना तो और भी ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा है। तो मैं ट्रे लेकर के आ गई हूँ, पेंट लेकर के आ गई हूँ, इसको पेंट ब्रश भी लेकर के आई। मेरे पास सारा कुछ था लेकिन ख़राब हो गया, तो मैं फिर से न्यू लेकर के आई हूँ और सबको पेंट करके इस ट्रे के नीचे रखूँगी। तो ये फिर से जो है ना सुंदर लगने लगेगा। और ये देखिए न्यू प्लांट आ रहे हैं। ये पूरा तरह से ख़राब हो गया था, जल गया था ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, देखिए न्यू पत्ते आने लगे हैं, मतलब ये लग गया है। लेकिन ये जो है हिबिस्कस है, ये पूरा तरह से मुझे लग रहा है ख़राब हो गया है, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पौधा वगैरह मतलब फ्लावर्स दे रहे थे डेली 1-2 ऐसे करके। लेकिन ये देखिए ये रोज़ है, यहाँ पे न्यू रोज़ आ रहा है, देख रहे ना कली है। चलिए जो है ठीक ठाक ही है, तुलसी अच्छी है हमारी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और ये मेरा जो था ना पूरा सब फेंक दिया, फिर नए सिरे से एलोवेरा लगाया है, मनी प्लांट भी सारा फेंक दिया, फिर से नहीं लगाया इस तरीके से। मैं यहाँ पे बड़ी सी डस्टबिन लेकर के आई हूँ
और इसकी गार्बेज बैग भी देखिए इसी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कूड़ा रखती हूँ, इस तरीके से मेरा कूड़ा रखा हुआ है। और यहाँ पे एक दो दिन के बाद ही जो है ना यहाँ पे गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए, डेली डेली का सिस्टम ही नहीं है। तो मैं सोची कि कहीं मैं प्लास्टिक लेकर के जाऊँ और प्लास्टिक टूट जाए ना तो फिर तो नीचे भी साफ़ करना पड़ेगा और परेशानी तो अलग होगी जाएगी। तो इसके चलते से मैं ना लेकर के आई हूँ देखिए डस्टबिन, अब उसी में जमा करके रखूँगी, जब ये भर जाएगा तो नीचे जा करके जब भी आएगा गाड़ी वाला दे दूँगी। और ये बादाम पियो, इसको सारा इसको छीलो, चलो ऐसे कैसे फेंकी हो, देखो हाँ साइकिल से फुर्सत नहीं है, लो करो ये कपड़ा सारा। तो जो भी कपड़े सूख गए थे सभी को मैंने उठा करके आज समेट करके रख लिया, और फिर अंकू को बोल रही हूँ कि जाके अपने अलमारी में रख लो, और मैं भी जा रही हूँ अपने अलमारी में ही इसको रख दूँगी। तो कपड़े सूख चुके हैं और पीहू जो है यहाँ पे बादाम छिल रही थी तो ही सॉक्स भी पहन रही है, ठंड तो होने लगी है, बच्चों को मैं सॉक्स पहना करके रखती हूँ चूँकि पाँव में ठंड लगती है ना, तो स्लीपर के साथ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी काले चने की चटनी। तो ये देखिए ये मैंने शाम को चाय के साथ खाने के लिए बाज़ार से लेकर के आई हूँ भुना हुआ काला चना, लेकिन आप इसको जो काला चना घर पे रहता है उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, उसमें पानी वगैरह ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट आप थोड़ा सा तवा या कढ़ाई में चला लीजिए, वो हल्का सा पट 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 ऐसा भुना हुआ आपको खुद ही दिखने लगेगा, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। लेकिन मैं इसको बाज़ार से लेकर के आई हूँ तो उसी को देखिए इसके छिलके को मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेने के बाद ये खुद ही छिलका से निकल जाएगा, छिलका नहीं भी निकाल सकते लेकिन छिलका निकल जाने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको मैं छिलके को पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने अलग कर लिया है, छिलके को अलग कर लिया, और ये देख सकते हैं आप कि मैंने पूरा तरह से अलग कर लिया है। अब इसमें नमक मिर्चा और सरसों ऑयल डाल करके इसको ग्राइंड कर लूँगी, इसमें थोड़ा पानी भी डालूँगी। और यहाँ भी मैं अलसी लेकर के आई हूँ, इसमें ना हल्का सा रोस्ट करके मसाला भी रोस्ट किया हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसके साथ ना ये स्पून भी है, तो माउथ फ्रेशनर जैसा काम करता है ये, जब कभी शाम को खाना वगैरह बनाती रहती हूँ ना तो एक चम्मच खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राइंडर इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए यहाँ पे जो है चटनी पीस करके तैयार है, और उसमें कुछ भी नहीं, नमक मिर्चा हरी मिर्चा और नमक और सरसों ऑयल के साथ मैंने इसको पीसा है, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो आज के लंच में मैंने बनाया है देखिए ये धनिया पत्ता की जो चटनी है वो कल की है, और यहाँ चने की चटनी हो गई, और ये देखिए यहाँ आलू का भुजिया, और ये जो है चावल बन करके रेडी है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे दाल बना कर रखी हुई है। तो मेरा जो है लंच प्रिपेयर हो चुका है, दाल चावल भुजिया और चटनी, दो तरह की चटनी हो गई, तो बहुत हेल्दी और टेस्टी। यदि आपके पास सब्जी नहीं हो ना तो आप इस तरह से
एक आइटम कर सकते हैं। तो कैसे लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लंच करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। आज हम बच्चों की एग्ज़ामिनेशन भी थी, तो एग्ज़ामिनेशन भी दिलवाना था, तो उसकी तैयारी भी करानी है। और जो है अभी दो एग्ज़ामिनेशन इसके फॉग की वजह से नहीं हुई थी, तो वो तीन को होनी है। मतलब कल एक है ना, एक दो नहीं तीन को होनी है। तो PA3 PA4 दोनों साथ साथ चल रही है। PA4 का जो यूनिट टेस्ट है वो अभी हर ट्यूसडे को होता है, एवरी ट्यूसडे। और बाकी जो दो तीन बचे हुए थे वो अभी तीन को होने वाला है, फिर देखती हूँ नेक्स्ट कब होगा। तो इस तरीके से बच्चों को स्टडी करवा लिया था, और बस इस तरह ब्लैंकेट ओढ़ करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं सोच रही थी कि अभी बाहर जाऊँगी, लेकिन नहीं जाने का मन किया, चूँकि आज हमने सर धुले हैं। और यदि मुझे तो मुझे साइनस की दिक्कत है, इसकी वजह से जैसे ही मैं ठंड हवा में जाती हूँ ना, मुझे कोल्ड हो जाता है, तो इसके वजह से मैं बाहर नहीं गई हूँ। और बच्चे जो है अभी भी रिवीजन कर रहे हैं दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। और आपके साथ शेयर नहीं किया है ना, पता नहीं शायद शेयर किया है। ये तीनों जो अलमीरा है ना, मुझे हाउस ऑनर ने प्रोवाइड किया है, तो इसमें मैं सारी चीज़ों को समेट करके रखती हूँ। आपके साथ शेयर भी किया था, होम टूर भी दूँगी बहुत जल्दी, कल ही दे दूंगी। इसमें क्या है, जैसा है जो है वही, उसी के साथ मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ बहुत जल्दी, कल या परसों दे दूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। चने की चटनी जरूर बनाना, बहुत देसी टच लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही इजी वे में बनता है, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे कि आप कोई भी चटनी बनाते हो तो थोड़ा सा खट्टी चीज़ें चाहिए, या फिर धनिया की पत्ती बनाते हैं यदि खट्टी नहीं डालते तो नींबू डालना। इसमें है कि कुछ भी नहीं है, मिर्चा नमक तेल डाल दो और बस आपकी चटनी रेडी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मेरे पास सब्जी वगैरह नहीं होती है ना, तो मैं इस चटनी को बनाती हूँ। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ डिनर में। अभी अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही वीडियो, और आपके साथ शेयर भी किया है। बाकी जैसे होगा आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।